नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपके 10 सवाल, मेरे 10 जवाब। चलो देखते हैं कि आज के 10 सवाल क्या हैं। सबसे पहला सवाल है मयूख पॉल का। मैम एक बात बताइए, कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्यार करता है पर लड़की नहीं करती, वो हर वक्त उसे मांगता है पर वो उससे प्यार नहीं कर पाती, किसी और की हो जाती है जबकि वो लड़का हर रोज उसे मांग रहा था, उसकी मोहब्बत क्यों नाकाम होती है, मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ उसका। जवाब है ना आपके पास? अरे मांग रहा था। मांगना मतलब मांगते कब हम, जब वो चीज हमारे पास नहीं होती, किसी और से हमें मिलती है। मांगना ना, मांग रहा है बेचारा, दे दो दे दो दे दो दे दो, प्यार प्यार प्यार, आ जा आ जा, जा लड़की लड़की लड़की। तो नाकाम कोशिशें हैं ये मैनिफेस्टेशन की, इसीलिए नहीं हुआ मैनिफेस्ट। समझो मांगना मांगना क्या होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल का। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा दी, प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लेना। ले लिया है आपका क्वेश्चन दी। मैं उस पर्सन को भुला देना चाहती हूँ क्योंकि वो बोलता है कि उसकी लाइफ में कोई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा वो नहीं हो सकता। बट दी, मैं जब भी उसे भूलना चाहती हूँ मुझे बार बार उसके रिलेटेड पॉजिटिव साइंस मिलते हैं और बटरफ्लाई भी मुझे बहुत सारी दिखती है। तो दी मैं क्या करूं, प्लीज मुझे रिप्लाई दीजिए। पायल, ओ पायल, आपको उनसे जुड़े हुए साइन नहीं मिलते हैं, इसलिए मिलते हैं कि अब आप तितली बनके उड़ो, ऐश करो, छोड़ दो किसी को भूलना। मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो यार हम उसे याद कर रहे हैं, भूल नहीं रहे है ना। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, आप उसे भूलना चाहते हो, तितली बनके उड़ो, निकलो रास्ते में से। तो साइन को ही उल्टा लेना शुरू कर दिया आपने। साइन तो आपके लिए है, उनके लिए थोड़ी ना है। और ये बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भूल रही हूँ, मैं उसे भूल रही, ये याद करने का तरीका है, हम तुम्हें भूल जाएंगे, छोड़ो, तितली बनो, उड़ो, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल। कोई गाना बताना है ना, वो तितली वाला, भंवरे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह का। मेरा एक क्वेश्चन, सपोज लड़का और लड़की दोनों ही आपके सब्सक्राइबर हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को मैसेज नहीं करते हैं, तो कौन किसको मैनिफेस्ट करेगा। जो भावनाओं को पहले समझेगा, लेट गो कर देगा, फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, खुश हो जाएगा, झूमेगा, जिसके वाइब्रेशन दूसरे वाले से हाई होंगे, 1% भी हाई होंगे, तो वो मैनिफेस्ट कर लेगा। दोनों मेरे ही हैं, दोनों करेंगे, मुझे पता है। और फिर सोचो इनकी जोड़ी क्या बनेगी। ओए होए, मैं सोच भी नहीं सकती, इतना प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पिता सेन शर्मा का। मेरा क्वेश्चन बहुत ही अलग है दी। अच्छा, अगली बार आप जरूर पढ़िएगा। जरूर पढ़ रहे हैं हम। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया है। मेरा क्वेश्चन है, क्यों कुछ गिने चुने लोगों को ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है और कुछ लोग जान भी नहीं पाते, ये दुनिया भी छोड़ करके चले जाते हैं। और मैम, अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बोलूं तो वो इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। क्या यूनिवर्स बाबा, शिव बाबा पास्ट जन्म के गुड कर्मा के हिसाब से लोगों को चुनते हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस, ऐसा है कि बहुत सारे लोग बिना जाने भी मर जाते हैं। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग तो खुद को जाने बिना भी मर जाते हैं और उसका परसेंटेज बहुत हाई है। तो मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब, अगर सबसे पहली चीज है तो वो ये है कि खुद को जानना, खुद के साथ में कनेक्शन। जब आपका खुद के साथ में कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो ही आपका दूसरे के साथ में कनेक्शन जो होता है स्ट्रांग होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वो जो कनेक्शन है खुद के साथ -1% भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और दोनों का कनेक्शन नहीं है।
देखिए यहाँ क्या होता है, आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो मैच होने चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि दुनिया में कुछ है, कुछ होता है, ज़्यादातर जो लोग स्पिरिचुअल हैं, मतलब धार्मिक हैं, भगवान को मानते हैं, वो बहुत इजीली मान लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, अपने धर्मों के साथ ही नहीं जुड़े होते, उनको वो भी ऐसा लगता है कि ऐम ही बातें हैं, तो उनका जुड़ना मुश्किल होता है। तो अब यहाँ पर तो ये भी देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म को नहीं जान पाते, वो नहीं मान पाते और ऐसे ही शरीर छोड़ देते हैं। तो यस, ये पास्ट कर्मास भी हैं। और आपका जो कनेक्शन है खुद के साथ, आप कितना जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कोशिश आप करते हैं और कुछ कोशिश तो सामने से भी होती है। और ये मेरा मानना है कि यस, आप चुने जाते हैं। तो अगर आप मानते हैं तो यस, आप चुने गए हैं। और आप हथियार हैं सबसे बड़ा, कि आपने अट्रैक्ट किया। इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगी, बड़ी मजेदार सी चीज है ये, सुनोगे ना रोम रोम आपका झूम जाएगा। अच्छा क्वेश्चन किया आपने अर्पिता, आई लव यू। मैं हैरान हूं यार, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीहू का, नाम कितना सुंदर है ना, पीहू पीहू। हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद मुझे फील हुआ कि इंटरेस्ट कम हो गया है, बट 2 दिन के बाद में मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से करना चाहिए, तो मैं क्या करूं, वेट करूं या फिर से करूं? अगर आपको लग रहा है कि मुझे फिर से करना चाहिए तो फिर से करो, क्योंकि इंटरेस्ट आपका कम हुआ उस चीज को लेकर के, क्योंकि आपने वो टेक्निक्स कर ली, तो करने के कुछ दिन बाद में बोलते हो ना, लगता है हाँ बस बस इंटरेस्ट खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा तो लेट ही गो हो गया, भाई तो लेट गो हो गया, इंटरेस्ट खत्म, मन ही नहीं कर रहा मैसेज करने का, मन ही नहीं कर रहा, पूछते भी है मुझे कमेंट बॉक्स में, मन नहीं करता मैसेज करने का, उससे बात करने का दिल नहीं करना, नहीं करता दिल तो मत करो। लेकिन वो क्या होता है कि कुछ दिन टेक्निक करने के बाद ऐसा लगता है, बट फिर से अगर दिल कर रहा है, यादें आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा, फिर साइन देखने का दिल कर रहा है, तो भैया लेट गो बैठ गो, कुछ नहीं हुआ है, फिर से कर लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस डेस्परेट वेस्परेट नहीं हो, नेगेटिव मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ का, आदि एक क्वेश्चन है, मेरा बॉयफ्रेंड जब भी मुझसे मिलता है तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, प्यार एक्सप्रेस करता है, बट जब हम अपने अपने घर में रहते हैं, नहीं मिल रहे होते, तब वो मुझे इग्नोर करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है, और कई कई दिन हमारी बात भी नहीं हो पाती है, वो ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो जब वो आपसे मिलते हैं तब वो आपसे प्यार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा किसी के साथ 100% होना, बहुत सारे ऐसे भी कपल हैं दूसरे के साथ में होते हैं बट 100% नहीं होते हैं। हाँ, अब वो घर पर है, पता नहीं उसकी क्या सिचुएशंस हैं, घर का क्या माहौल है, कौन है उसके आसपास, नहीं हो पाती बात, कुछ और भी जिम्मेवारियां होती हैं इंसान की, तो मुझे लगता है स्पेस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। जब वो आपसे मिल रहे हैं तब तो आपको आपका 100% दे रहे हैं ना, तो स्पेस देना चाहिए यार, समझो समझो इस बात को, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूजा नरवल का, एक विश के लिए मैक्सिमम कितनी टेक्निक्स लगा सकते हैं मैम, और क्या लेट गो करने के कुछ दिन के बाद में भी कोई टेक्निक लगाई जा सकती है? प्लीज मुझे आंसर कर दीजिए। एक विश के लिए दिल से करो, आत्मा से करो, फील करके करो, एक टेक्निक बहुत होती है। एक विश के लिए 100 टेक्निक लगा दो, डेस्परेट हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, टेंशन ले लो, हुआ नहीं, माय गॉड, मतलब आप ऑलरेडी डेस्परेट हैं कि आपको वो पाना है कैसे भी, इसलिए बहुत सारे टेक्निक्स लगा देंगे। क्यों? कुछ दिन आपको लगता है कि नहीं हुआ, फिर से लग रहा है कि यार याद आ रही है, या वो चीज करनी है, या आपको फिर से आपकी विश आपके दिमाग में घूम रही है, तो फिर से कर लो। बट एक साथ ढेर सारा करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, अपना ही टाइम वेस्ट, और डेस्परेट भी हो जाएंगे, पता नहीं ऐसे ही कुछ भी सोचना शुरू कर देंगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, एक टाइम पे एक करो, दिल से करो, बढ़िया से करो, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरितिमा का, हेलो दी, मेरा क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोगों को फाइंड करता है या फिर हम फाइंड करते हैं? ये बिल्कुल मिलता जुलता सा क्वेश्चन है। एक्चुअली उन्होंने लिखा था कि कर्मा की वजह से होता है, बट इन्होंने लिखा है
इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारी लाइफ में आ जाता है और कम कैसे हम वहां चले जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, देखना वहां से आपको पता चलेगा कैसे मैं जुड़ी, ऐसे मैं बताऊंगी, ठीक है? मजा आएगा सच्ची, सुन के देखना फिर मजा आएगा। नेक्स्ट ना आपको मैं सच्ची बताऊं, देखो अरे यार क्या हो रहा है, यहां से यहां तक आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझना, इसका जवाब मैं एक ही में दे रही हूं। क्वेश्चन एक साथ पढ़ देती हूँ धड़ल्ले से, उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे क्या करूं, पेरेंट्स खुद नहीं मान रहा उसने हमें ब्लॉक कर दिया है क्या करूं, मेरे पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए अभी मैं क्या करूं, अब वो भी कंफ्यूज हो गया है ना, एक जैसे एक तो ये नहीं समझ में आता मुझे सबके पेरेंट्स अमरीशपुरी क्यों बन गए हैं भाई, मान जाओ बच्चे प्यार करते हैं तो ठीक है, और दूसरी बात पेरेंट्स नहीं मान रहे साथ में पार्टनर भी कंफ्यूज है, पापा नहीं मानेंगे मम्मी नहीं मानेगी, मम्मी पापा जब तक नहीं मानेंगे मैं नहीं करूंगा, अब मम्मी पापा ने रोड़ा अटका दिया, तो मुझे ये नहीं समझ में आता अफेयर के टाइम पे पता नहीं था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, अफेयर के टाइम पर नहीं पता था हमारा जाति धर्म ये वो सारी चीजें भी, ये शादी के टाइम पर ही क्यों पता चलता है, आपको नहीं पता था कि आप इस धर्म से हैं, घर में हम रहते हैं तो हमें पता होता है ना कि कैसे हमारे मम्मी पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, धर्म के अगेंस्ट हैं, चीजों के अगेंस्ट हैं, जाति के अगेंस्ट हैं, हमको पता नहीं होता क्या, या हमें लास्ट मोमेंट पर एकदम जैसे ही सामने वाले पार्टनर ने शादी की बात छेड़ी हमें अचानक से पता चलता है ओ माय गॉड हमारे घर में तो ऐसा है, मेरे मम्मी पापा तो ऐसे हैं, मेरे को तो ये याद ही नहीं था कई साल से, क्या करना है ना, सोचिए अगर ये पार्टनर आपका कर रहा है ना, तो या तो आप या उनको दोनों को इस चीज का क्या समझ में नहीं था, और अगर उन्होंने आपको पहले ही बता दिया भैया मेरे घर वाले नहीं मानने वाले हैं तो क्यों खेल रहे हैं अपनी अपनी जिंदगियों के साथ में। हाँ वहां तक ये समझ में आता है कि पार्टनर शादी करना चाहता है पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो जगह मुझे समझ में आती है, तब आप पेरेंट्स को मनाइए, मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो भी किया था जहां पर मैंने बताया था कि यहां फिर एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को कोशिश करने चाहिए कन्विंस करने की, अगर वो कन्विंस नहीं हो रहे तो फिर थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर जाना चाहिए, उनसे थोड़ी जिद करनी चाहिए जैसे छोटा बच्चा करता है, फिर भी आपको लगता है वो नहीं जा रहे, फिर आपको थोड़ा सा एक स्टेप लेना चाहिए वो भी अपने पार्टनर को देखते हुए कि हाँ अभी आपका पार्टनर भी स्टैंड लेने के लिए तैयार है कि नहीं, अगर वो भी स्टैंड लेने के लिए तैयार है तो फिर आप एक स्टेप ले सकते हैं कि पेरेंट्स को बताइए, बात कीजिए, जिद कीजिए, फिर भी नहीं मान रहे तो अपने पार्टनर को बोलिए कि भाई तुम आओ और किसी तरीके से हम स्टेप लेते हैं, मैं भागने और ऐसी गलत चीजों की बात नहीं कर रही हूं, मैं फिर भी पेरेंट्स को मनाने की किसी भी तरीके से अपने आप को करियर में उठाने की एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब हम करियर में बहुत आगे बढ़ जाते हैं अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स को पता होता है कि अब इसके फैसले इसके हाथ में हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, तो जो बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं अपने करियर में बहुत ऊंची उड़ान भर रहे होते हैं पेरेंट्स उनके ऊपर ज़्यादा लगाम नहीं लगा पाते हैं, तो इस तरीके का ये मैं कह रही हूँ कि इस तरीके की चीजों को आप कर सकते हैं वेट करते हुए, अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका पार्टनर कह रहा बहुत हो गया वेट यार मैं तो निकल ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए पहले कि आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए रेडी हैं रुकने के लिए भी, एक दूसरे को करियर में सपोर्ट करने के लिए भी, तो यस डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए और फिर आगे आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, फिर तो अपने पैरों पे इस लेवल पे खड़े हो जाओ कि पेरेंट्स भी बोलने के पहले कम से कम 36 बार सोचे यार इसको कैसे बोलेंगे ना, नहीं हो सकता, चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की, आज आप किसी को भी अगर करियर पर बहुत ऊपर देखेंगे तो वो पता चलेगा कि इनका ग्राफ है भाई, नहीं बोल सकते, पेरेंट्स को भी पता है जब इतनी सारी चीजों को अकेला ही हैंडल करता है या करती है तो
हम नहीं बोल सकते हैं, वहां पर भी इसकी पसंद को हमें एक्सेप्ट करना होगा। फिर आपका लेकिन पार्टनर भी उससे टक्कर का होना चाहिए, समझ रहे हो ना, वो अंदर वाली बात समझा करो। ठीक है, अपने अपने रखो ख्याल, अपने आपसे करो फिर सौर सर ज्वालामुखी जैसा टूट के प्यार, हाँ इतना ही किया करो, ताकि आप अट्रैक्ट भी करो ऐसे ही वाला। आई लव यू ऑल।